हेलो गाइस, वेलकम टू टेस्टी फूड एंड फूडी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही टेस्टी क्रीमी कद्दू की सब्जी, जो बहुत इजी है बनाने में और खाने में बहुत टेस्टी है। तो आइए इस टेस्टी सी रेसिपी को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हमने पैन में 2 से 3 चम्मच तेल के डाल लिए हैं। तेल को अच्छे से करेंगे गर्म और इसमें डालेंगे जीरा। तेल हमारा गर्म हो चुका है, जीरा आपने 1 चम्मच के करीब इसमें डाल दें। जीरा अच्छे से भुन जाए तभी हम इसमें अदरक और लहसुन बारीक काटा हुआ डालना है। गाइस, अगर आप इसमें पेस्ट डालोगे तो उसका वो टेस्ट और फ्लेवर नहीं आएगा, तो प्लीज़ इसे चॉप कर कर ही डालें चॉपर में और अच्छे से इसे भुने जब तक ये पिंक नहीं हो जाता। और उसके बाद हमने 4 से 5 इसमें ग्रीन चिली काट कर डालिए। अगर आप लाइक नहीं करते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। फ्रेंड्स, अब हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज आपकी सब्जी के अकॉर्डिंग ही डालें। अगर आपकी सब्जी 1 kg है तो प्याज थोड़े से ज़्यादा डालेंगे, और अगर 1/2 kg है तो थोड़े से कम डालेंगे। तो आप अपनी सब्जी के अकॉर्डिंग इसमें प्याज डालें और प्याज को अच्छे से भून लें, क्योंकि प्याज अगर आपके पिंक होंगे, गोल्डन होंगे, तो आपकी जो सब्जी है ना, उसका जो फ्लेवर है बहुत ही बढ़िया आएगा गाइस। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि प्याज अच्छे से आपने ब्राउन करने ही करने हैं। ये देखिए, अच्छे से पिंक और ब्राउन जब हो जाएंगे तभी हम इसमें वेजिटेबल डालेंगे। कद्दू को अच्छे से काटें और डालें। कद्दू का साइज जो भी आपको पसंद हो आप उस अकॉर्डिंग ही काटें। और अब हम इसे भी फ्राई करेंगे, भुनेंगे इसी मिक्सचर में। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसकी जो सब्जी का टेक्सचर और टेस्ट होगा ना, बहुत ही यमी और बहुत ही डिलीशियस होगा। तो आप ये चीज़ को जरूर प्लीज़ फॉलो करें। तो इसे हम ढककर पकाएंगे जब तक कद्दू अच्छे से बन नहीं जाते। ये देखिए, कद्दू आपने चेक करने हैं कि कद्दू आपके जो है वो अच्छे से बन चुके हैं, गल चुके हैं, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो गाइज, कद्दू हमारे बन चुके हैं। इसमें कुछ घर के बेसिक मसाले हैं, जैसे 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च और नमक स्वाद अनुसार, और थोड़ा सा इसे स्पाइसी पन देने के लिए 1/2 टीस्पून थोड़ा सा चिली पाउडर। तो इसे अच्छे से हम भुनेंगे गाइस, क्योंकि आपको पता है प्याज भी बन चुके हैं और कद्दू भी बन चुके हैं, लेकिन जो ये मसाले हमने डाले हैं इसे आप फुल पर ही भुनें और जब तक ये अपना घी नहीं छोड़ जाता। बहुत इजी वेजिटेबल है और घर के बेसिक मसाले हैं जो ऑलरेडी सभी के घर में होते ही हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं डाला। तो इस तरह से ये जो सब्जी है बहुत ही टेस्टी और क्रीमी बनेगी। और दूध के लिए कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन है, मैं आपको जरूर बताऊंगी और वीडियो को पूरा सुने। ये देखिए गाइस, सब्जी अच्छे से बन चुकी है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए ढककर भी पकाएंगे जब तक ये घी अच्छे से छोड़ नहीं जाता। ये देखिए गाइस, सब्जी हमारी बन चुकी है, घी अच्छे से इसने छोड़ दिया है। सब्जी बहुत ही बढ़िया इजली बन चुकी है। इसे करेंगे मिक्स हम। एक बार आप गाइस इसे अच्छे से, आप चाहें तो इसमें कस्तूरी मेथी और अजवाइन भी डाल सकते हो टेस्ट के लिए, जो भी फ्लेवर आपको पसंद हो आप इसमें थोड़ा सा गार्निश कर सकते हो। और गाइस, हम एक बार इसे चेक जरूर करेंगे कि हमारी सब्जी ऑलमोस्ट परफेक्टली पक चुकी है, क्योंकि फिर ही हम इसमें दूध ऐड करेंगे। तो मैंने इसे टेस्ट कर लिया है, ये ऑलमोस्ट अच्छे से बन चुकी है, कद्दू अच्छे से गल चुका है। अब हम इसमें दूध, मलाई जो कि घर की नॉर्मल मलाई को होती है, 2-3 चम्मच उसके और कुछ दूध है वो इसमें डालूंगी। जितनी ग्रेवी आपको गाइस चाहिए आप उतनी ही ग्रेवी इसमें डालें। ये देखिए गाइस, बहुत ही बढ़िया टेक्स्चर देखिए सब्जी का, बहुत ही बढ़िया। और गाइस, फर्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप जब भी दूध डालो तो इसे उबालना ज़्यादा नहीं है,
अगर आपने ज़्यादा टाइम इसे रख लिया तो ये दूध जो होगा फट जाएगा और सारी सब्जी आपकी खराब हो जाएगी। उबाल आने में सिर्फ 1 से 2 मिनट ही लगेंगे, तब तक हम इसे गार्निश करेंगे हरे धनिए के साथ, कस्तूरी मेथी के साथ, जो भी फ्लेवर आपको पसंद हो उससे इसे गार्निश करें। और देखिए हल्का हल्का उबाल इसमें आ रहा है, तो आप गैस को कर देंगे हम ऑफ और सब्जी हमारी ऑलमोस्ट पूरी परफेक्टली डन हो चुकी है। अब आप इसे लच्छेदार परांठे के साथ, राइस के साथ, जैसे भी आपको पसंद हो आप इसे एंजॉय कर सकते हो। आई होप गाइज आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं आपके लिए इजी रेसिपी लेकर आती रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेल्थी खाइए, हेल्थी रहिए।